एक लड़का नौकरी की तलाश कर रहा था। वह सेल्समैन की नौकरी ढूंढ रहा था, पर उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिली क्योंकि उसे अंग्रेजी नहीं आती थी। उसने और एक जगह इंटरव्यू दिया, वहाँ भी उसे यही पूछा गया कि अंग्रेजी जानते हो। उसने मैनेजर से कहा कि साहब, अंग्रेजी से क्या करना, यदि मैं अंग्रेजी वालों से ज्यादा बिक्री ना करके दिखा दूं तो मुझे तनख्वाह मत दीजिएगा। मैनेजर को उस लड़के की बात जम गई, उसे नौकरी पर रख लिया गया। अगले दिन से ही दुकान की बिक्री पहले से ज्यादा बढ़ गई। एक ही सप्ताह के अंदर लड़के ने 3 गुना ज्यादा माल बेचकर दिखा दिया। स्टोर के मालिक को जब पता चला कि एक नए सेल्समैन की वजह से बिक्री इतनी ज्यादा बढ़ गई है, तो वह खुद को रोक न सका, फौरन उस लड़के से मिलने के लिए स्टोर पर पहुंच गया। लड़का उस वक्त एक ग्राहक को मछली पकड़ने का कांटा बेच रहा था। मालिक थोड़ी दूर पर खड़ा होकर देखने लगा। लड़के ने कांटा बेच दिया। ग्राहक ने कीमत पूछी तो लड़के ने कहा 500 रुपए। यह कहकर लड़के ने ग्राहक के जूते की ओर देखा और बोला, सर इतने महंगे जूते पहनकर मछली पकड़ने जाएंगे क्या, खराब हो जाएंगे। एक काम कीजिए, एक जोड़ी सस्ते जूते और ले लीजिए। ग्राहक ने जूते भी खरीद लिए। अब लड़का बोला, तालाब किनारे धूप में बैठना पड़ेगा, एक टोपी भी ले लीजिए। ग्राहक ने टोपी भी खरीद ली। अब लड़का बोला, मछली पकड़ने में पता नहीं कितना समय लगेगा, कुछ खाने पीने की सामान भी साथ में ले जाएंगे तो बेहतर होगा। ग्राहक ने बिस्किट, नमकीन, पानी की बोतलें भी खरीद ली। अब लड़का बोला, मछली पकड़ लेंगे तो घर कैसे लाएंगे, एक बास्केट भी खरीद लीजिए। ग्राहक ने वह भी खरीद लिया। कुल 2000 का सामान लेकर ग्राहक चलता बना। मालिक यह नज़ारा देखकर बहुत खुश हुआ। उसने लड़के को बुलाया और कहा, तुम तो कमाल के आदमी हो यार, जो आदमी केवल मछली पकड़ने वाला कांटा खरीदने के लिए आया था उसे तुम इतना सारा सामान बेच दिया। लड़का बोला, कांटा खरीदने, अरे वह आदमी तो स्टेफ्री पैक खरीदने के लिए आया था, मैंने उससे कहा अब 4 दिन तू घर में बैठा बैठा क्या करेगा, जाके मछली पकड़। एक बार संता के सिर पर चोट लग गई तो वह डॉक्टर के पास पट्टी बंधवाने के लिए गया। डॉक्टर ने सिर पर पट्टी बांध दी और पूछा कि चोट कैसे लगी। संता बोला, छोड़ो डॉक्टर साहब, लंबी कहानी है। डॉक्टर ने बोला, फिर भी मैं सुनना चाहता हूँ। संता बोला, बात यह है कि पिछले हफ्ते पत्नी मायके गई हुई थी, मैं भी हवा बदलने के विचार से रविवार को होटल में जा टिका। मेरे बगल के कमरे में एक खूबसूरत औरत थी। रात 11 बजे उसने दरवाजा खटखटाया और माखी मांगते हुए कहा उसे ठंड लग रही है, अगर मैं कुछ मदद कर सकूं तो वह आबादी रहेगी। मैंने एक कंबल दे दिया। थोड़ी देर बाद वह फिर वापस आ गई और वही शिकायत करने लगी। मैंने उसे अपना ओवरकोट भी दे दिया। आज जब मैं हथौड़ी से कील ठोक रहा था तो मुझे अचानक समझ में आया कि उस दिन वह औरत क्या चाह रही थी, और बस मैंने हथौड़ी अपने सिर पर ही दे मारी। एक बार एक थकी हुई लड़की को बस में बैठने की जगह नहीं मिली तो उसने सीट पर बैठे एक छोटे से लड़के से पूछा, खड़ा हो जाएगा क्या। लड़का बोला, हो जाएगा, 9वीं में आ गया हूँ। उसके बाद वह लड़की पूरे रास्ते खड़ी खड़ी गई, किसी से नहीं पूछा खड़ा होने के लिए। दोस्तों, यदि आपको इस तरह के वीडियो देखना पसंद होता है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे में आपको लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, उसे सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। यदि आपको अभी इस तरह के और मज़ेदार वीडियो देखने हैं तो इस वीडियो को देखिए और मज़े लीजिए।